जब जब विपदा आई तो पांचों बलशाली पति असहाय पाए द्रौपदी ने। नाखून में लगा वो एक शाख का कण वो पाया द्वारिकाधीश ने। द्रौपदी के हाथ का नाखून छिपा हुआ वो जूठन, कभी कभी खाते खाते जूठन रह जाती है। अब आजकल के लोग तो आचार विचार भूल गए, हमको तो भाई बड़ी विपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं किसी के घर जाए अब जाना भी पड़ता है, और केवल जाना ही नहीं रहना भी पड़ता है, और फिर केवल रहना ही नहीं खाना भी पड़ता है, करना ही पड़ता है। खैर वो कण पाया, फिर विपदा से मुक्त किया द्रौपदी को। और अगर कृष्ण नहीं होते अर्जुन के रथ के सारथी के स्थान पर तो असंभव था पांडवों के लिए वो महाभारत जीतना। और फिर उसके बाद जब स्वर्गारोहण हुआ तो कथा कहती है कि द्रौपदी का पांव फिसल गया और पांचों में से किसी ने द्रौपदी की ओर नहीं देखा, उसे वहीं असहाय छोड़कर चल दिए पांचों पांडव। तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने बड़ी भारी त्रुटि की कि मैंने कृष्ण के जैसा कुछ स्वीकार कर लिया। कृष्ण के जैसे केवल कृष्ण ही हैं, कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण से अतिरिक्त कृष्ण के जैसा भी कुछ मिले तो स्वीकार ना करना, अंत में पांव फिसलेगा और आप गिर जाओगे और कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा। मैंने अगर सीखा तो द्रौपदी पढ़ के ये सीखा। उस समय द्रौपदी की आत्मा ने पुकारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सवरिया में मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल खाती है, बोध देती है। जब वस्तु मां से मिले तभी आप निश्चिंत हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मांगने से मिल जाएगा, कहीं और से भी मिल जाएगा, पर आपको खबर नहीं कि वो आपको कहां ले जाकर छोड़ेगा। तो आपके लिए उचित है भी कि नहीं, उससे आपका हित होगा कि भी नहीं, नहीं कह सकते आप। लेकिन जब कृष्ण देंगे तब समझना कि माँ ने दिया है। केवल वस्तु नहीं है, उसमें प्रेम भी होगा, उसमें भाव भी होगा, उसमें आपके कल्याण की मंगल कामना भी छिपी होगी। कृष्ण से मिलने वाली वस्तु केवल वस्तु नहीं है, उसमें कृष्ण का प्रेम भी आएगा आपके साथ। जैसे जैसे बिनाई दिए, बिना ही किसी प्रयास के भूखा बालक देखकर माँ के हृदय का बात्सल्य फूट पड़ता है, ऐसे ही जब आश्रित देखते हैं श्री कृष्ण जीव को अपने, फूट पड़ता है उस माता का भी वात्सल्य और धन्य हो जाता है जीव। दो क्षणों के लिए नाम उच्चारण करिए, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे।
क्षण आए जब चारों ओर अंधेरा हो और निराशा ने घेरा हो। एक एक बात का भरोसा रख लेना कि सब द्वार बंद हो जाने पर भी एक द्वार सदा खुला रहता है आपके लिए, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। प्रत्येक मार्ग बंद होने पर भी एक मार्ग खुला है। कहां कहां सर नहीं पटका द्रौपदी ने पृथक हार कर। और भाई कथा तो यह कहती है कि भोजन कर रहे थे द्वारिकाधीश, महारानी रुक्मिणी के हाथ में भोजन का ग्रास था और बड़ा करुण स्वर द्रौपदी का कान में पड़ा, हे गोविंद द्वारिका वासिन, हे गोपी जनप्रिय, नंगे पांव दौड़े भगवान, ऐसे कान में वो द्रौपदी का स्वर पड़ा, ताको दुख हरे वो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। तो ध्रुव जी के जीवन में ये घटना घटी। अब कोई यहां से देखे तो लगे कितना कितना बड़ा दुख मिला उस बालक को, जाने कौन सा पाप कर्म किया होगा उसने, जैसे आप और मैं सोचते हैं जाने कौन सा कर्म किया था भाई ऐसा दुख देखने को मिला। पर जीव करे भी क्या, दुर्बल है, सीमित सी दृष्टि है, दो पग दूर का भी ठीक से देख नहीं पाता। तो जीवन में सुख आते जाते सुख दुख का कर्म का विचार कैसे करे। अब कोई देखे तो लगेगा कि क्या नन्हे से बालक ने अपराध कर दिया होगा, पर ये तो आरंभ है, ये तो आरंभ हुआ। जिसने ध्रुव को ध्रुव कर दिया, जिसने ध्रुव को ध्रुव कर दिया, आप भी उसी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। जीवन में आती प्रतिकूलता को प्रभु का कृपा प्रसाद मानकर, मैं कह रहा हूं आपको थोड़ा कठिन होगा, मे बी आई साउंड लिटिल इम्प्रैक्टिकल, पर कुछ कुछ बातें बुद्धि से स्वीकार नहीं की जाती, श्रद्धा से स्वीकार की जाती है। कुछ ऐसा होता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इसे भीतर के नेत्र देख पाते हैं, अनुभव कर पाता है आपका उर अंतर। आप विश्वास करना कि सब द्वार बंद हो जाने पर भी एक द्वार आपके लिए सदा खुला रहता है और उसकी कृपा का द्वार है। जैसे ही आप देखते हैं उस ओर, पर उस ओर देखने की विधि क्या है, सब आश्रय छोड़कर आप प्रभु की ओर देखें, सब आश्रय छोड़कर, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवत मुदित जी तो कहते हैं अरे परमार्थ तो छोड़ो, भगवान भक्त का स्वार्थ भी बिगड़ने नहीं देते, उसके संसार की भी रक्षा करते हैं। नहीं तो संसार में कौन प्रमाण देगा कि भक्त की रक्षा भगवान करते, अगर भक्त का संसार बिगड़ जाए तो, अगर भक्त की प्रार्थना अनसुनी रह जाए तो फिर भक्ति को प्रमाणित कौन करे संसार में। कितने दिव्यास्त्र अर्जुन पर एक से एक धुरंधर, एक से एक वीर और प्रहार कर रहे थे, और कभी दाएं और कभी बाएं, और अर्जुन को छू नहीं पाया कुछ। श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अर्जुन पर कोई शस्त्र ना चला सके, श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की शस्त्र चले पर अर्जुन का स्पर्श ना कर सके, अर्जुन का स्पर्श ना कर सके। मैं माधव दास जी का प्रसंग निवेदन कर रहा था कि भावना स्वीकार हुई, जाड़ा का समय, ठिठुरता गात, रहा नहीं गया जगन्नाथ से, दौड़ कर आए अपने महल से और अपनी जो रजाई थी वो माधव दास जी को ओढ़ा दी। उस दिन से जगन्नाथपुरी में ये बात प्रतिष्ठित हो गई कि माधव दास जी की भजन भावना सिद्ध हो गई, कि प्रभु ने उनकी भावना अंगीकार कर ली। बड़ा कठिन समय आया, माधव दास जी को रोग हुआ पेट का, भयंकर स्थिति हो गई, 100 बार मल त्यागने के लिए जाना पड़ता, फिर स्नान करते, फिर सेवा में आते, जब अशक्त हो गया शरीर तो समुद्र के किनारे जैसे ही पहुंचे अचेत होकर गिर पड़े समुद्र की लहरों में। और भक्त गिरे तो दयानिधि का करुणा निधान का सिंहासन हिल जाता है, दौड़ कर आए भगवान, शरीर पर मल लगा है और प्रभु अपने हाथ से मैल धो रहे हैं माधव दास जी के तन से। कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, मैं किसी सत्ययुग की घटना नहीं कह रहा, ये इसी काल की घटना है। अपने हाथ से श्री जगन्नाथ जी उनके तन पर लगा मैल धो रहे हैं। जब आंख खुली, जब प्रभु का कर कमल का स्पर्श पाया, जब आंख खुली माधव दास जी की, तो देखा जगन्नाथ, और ऐसा ऐसा कर्म प्रभु को मेरे लिए करना पड़ रहा है।
प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते नहीं इस समय आपको ये कार्य करता देख मुझे कैसी मर्मांतक पीड़ा हो रही है, रोम रोम रुदन कर रहा है मेरा, आपको ये करता देख आप ये कर रहे हैं, आप मेरा कष्ट ही क्यों नहीं दूर कर देते। तो भगवान ने कहा यदि कष्ट दूर करता हूं तो मुझ पर कर्म के विधान को नष्ट करने का आरोप लगेगा, पक्षपात किया जाएगा मेरा, मैं तेरे कष्ट में तेरे साथ हूं, मैं तेरे कष्ट में तेरे साथ हूं, तेरे साथ खड़ा हूं, जननी की तरह तेरी संभाल करूंगा, तुझे सबल बनाऊंगा, तुझे समर्थ बनाऊंगा, कष्ट न आए, ये तो दुर्बलता का चिन्ह है, कष्ट आए पर आप ध्रुव रहें, आप अडिग रहें, आप प्रसन्न रहें, यहां भक्ति प्रमाणित होती है। आगे भी मैंने कहा था दुख दुख लगे सुख सुख लगे, ये तो बुद्धि है, ये तो बुद्धि का कौशल है, दुख में आनंद की अनुभूति हो, ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति का चमत्कार है। कोई पूछे भक्ति क्या चमत्कार करती है, तो ये करती है कि दुख में से वो सुख खोज लेती है, वो दुख में से प्रसन्नता खोज लेती है। और आपको लगेगा कि शायद मैं केवल पुस्तकों में लिखी बात कह रहा हूं, पर मैंने देखा है भाई, मैंने जीवन में भयंकर भयंकर कष्ट होते हुए भी मैंने भक्तों को मुस्कुराते देखा है। वहां लगता है कि भाई इसके हृदय में कोई बल होगा, इसके हृदय में कोई विशिष्ट साहस होगा, कि हाथ में विष का प्याला है, लाने वाला कह रहा है विष है, और कोई प्रसन्नता से पी रहा है उसे, निश्चित रूप से उसके पास कोई और अंतर का बड़ा बड़ा भारी बल होगा भाई, होगा उसके पास कोई ऐसा कौशल, कोई ऐसा विश्वास उसके पास होगा। दुत्कार मिली, प्रताड़ना मिली, भरी सभा में रावण ने लात मारी विभीषण को, घोर अपमान किया, लेकिन उस ठोकर से मिला क्या विभीषण को, ठाकुर मिले। विभीषण की भक्ति ने बस उस समय बुद्धि ये दी कि अब किसी और की तरफ मत देखना, प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना। मुड़ गए विभीषण, रावण ने यहां लात से प्रहार किया, मुड़ गए विभीषण प्रभु की ओर, और जाते ही प्रभु ने अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश, पल भर में उसी के हाथ है मेरी नाव, तो किस बात की चिंता। आपको कोई बड़ी गहरी अनुभूति देने के लिए आया है कष्ट, आप पर प्रभु की कृपा है ये अनुभव कराने के लिए आपको आया है, आप महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें, पकड़ा है प्रभु ने आपका हाथ, यही दिव्य अनुभव देने के लिए। सुख में अनुभव नहीं होगा भाई, सुख का तो सहज स्वभाव है, वो तो आपके जीवन में प्रमाद लाता है, कहां रह जाता है परिश्रम, जब आपके पास बहुत सुख सुविधा होती है आपकी क्षमता ही समाप्त हो जाती है। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूं आप लोग विकासशील हैं, पर आपका कैसा विकास हो रहा है आप जरा इसका ध्यान रखना, आपके जीवन में सुविधा बहुत भले बढ़ गई लेकिन आपके पास क्षमता कहां रही, कहां क्षमता रही। आज भले यू आर गोइंग टू जिम एंड इट्स योर स्टेटस सिंबल, पर आपके जीवन में परिश्रम कहां है। मैं तो कई बार कहता हूं सुबह सुबह बस एक टेलीफोन आ जाए, आज काम वाली बाई नहीं आएगी, सारा दिन खराब, इतना ही बहुत है आपको दुखी कर देने के लिए, तो पीड़ित कर देने के लिए इतना ही बहुत है, मेरे आज काम वाली बाई नहीं आएगी। हमारे बड़े बाबा थे, बोले कि घर में गोभी के डंठल नहीं टूटते, और जाती है जिम करने, मैंने नहीं कहा, महात्मा थे, मैं तो उनकी बात बता रहा हूं आपको, पर थोड़ा विचार करोगे तो आपको ठीक लगेगा कितनी सुविधा बढ़ गई आपके जीवन में। मैंने वृंदावन में सुना, मैंने बड़े बाबा के मुख से सुना कि मदन टेर पर जब पुराने संत रहते थे, अगर एक दिया सलाई की आवश्यकता पड़े तो 5 कोस चल के जाना पड़ता था, उस समय में रहकर उन्होंने स्वयं को साधा है। आज सब अनुकूलता हो गई, वातानुकूलित भवन हो गए और वाहन हो गए, सब सुविधा हो गई, पर भजन और भजन का सुख दिखाई नहीं पड़ता,
वो अदृश्य हो गया। इतनी सुविधाएं लेकिन भीतर का सुख समाप्त हो गया। ठीक है, उन्नति करना ये तो आपका मेरा उद्देश्य है, अरे पर उन्नति उन्नति हो, थोड़ा साहस भी बटोरिए, सामना कर सके आप दुख का, कष्ट का, पीड़ा का, और परास्त न कर सके फिर भक्ति की महिमा क्या है। तो मैं इतना निवेदन करते हुए आगे बढ़ूंगा, भाई बहुत सुख सुविधा होगी, बहुत बढ़ा ली जाए अपने चारों तरफ सुविधा, तो आप दुर्बल हो जाएंगे कहीं भीतर से। मैं तो उस दिन भी कह रहा था ना फरीदाबाद में भी कि भाई आज कुछ नहीं हो तो अकेले चलते हो बड़ी मस्ती से, साहन को तो भय बड़ा और निर्भय फिरे सो रंक। बड़े आदमियों को बहुत भय होता है, कुछ नहीं हो तो अकेले मस्ती से चलते हो। मेरे को याद है कि जब मैं वृंदावन जाता था तो छठी करा पे बस उतारती थी और वहां से एक ऑटो पकड़ते थे और दौड़ते थे। अगर 12:15 बजे विद्यापीठ चौराहे तक पहुंचे और ये लगता था कि 10 मिनट हैं श्री जी की राजभोग आरती में, तो सामान यहाँ ला दे और दौड़ कर जाते थे कि श्री जी की आरती का दर्शन हो जाए। और अगर श्री चरणों में रखा कोई एक पुष्प मिल जाता था ना, तो ऐसे लगता था कि जैसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई। आज महाराज जी हो गए, 4-6 आदमी आगे चलते हैं, 2-4 पीछे चलते हैं, मंदिर पहुंचते हैं हम और सब कुछ मिलता है, सब लोगों को हटाकर मिलता है, सबसे पहले हमको ही मिलता है। पर आपसे मन का एक अनुभव बांटूं, जो दर्शन करने का सुख तब होता था वो आज नहीं है। और मैं तो कई बार एकांत में बैठकर विचार करता हूं और प्रभु से क्षमा याचना भी करता हूं, निश्चित रूप से मेरे पूर्व जन्म की कोई वासना रही होगी, मेरे पूर्व जन्म की कोई वासना रही होगी। लेकिन सहजोबाई कहती है, सहजो छोटा जाइए साईं के दरबार, छोटा जाइए साईं के दरबार। बड़े सद्गुण होते हैं आप में, ये बहुत अधिक सुविधा नहीं होती आपके पास, एक साधारण जीवन होता है ना, जब आपका सद्गुणों के विकास की संभावना अधिक होती है, क्षमता विकसित होती है आपकी। तो बड़े पीड़ित, बड़े प्रताड़ित, तिरस्कृत ध्रुव, आंखों में जल भरा हुआ, सुबकता सुबकता वो नन्ना सा बालक, उसकी दशा का विचार नहीं किया जाता, उसका भी अधिकार है, वो भी उसी पिता का पुत्र है। और उस सुकोमल से बालक का, उस नन्हे से बालक का हाथ पकड़ के दुत्कार दिया माँ ने कि नहीं बैठ सकता। और अगर पिता की गोद में बैठने का इतना ही विचार है तो फिर कभी अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना। बड़े गर्व भरे, अहंकार भरे वचन तन पर मन पर चोट लगी बालक ध्रुव के, विगलित हो गया अंतःकरण इस दशा से। कोई थोड़ा दुख नहीं था भाई, विष का घूंट पीने जैसा ही था, प्राण ना रहे उसके बाद। कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है पुत्र को, क्यों? क्योंकि वो जिस माता के गर्भ से जन्म लिया है जिसने, वो माता देखने में बहुत सुंदर नहीं है। सुनीति, मैंने कहा ना सुनीति, वो देखने में बहुत सुंदर नहीं होगी। अनुशासन कभी भी देखने में बहुत प्रिय नहीं लगेगा, बहुत रुचिकर नहीं होगा। आज आपको कह दिया जाए जहां जहां आपके जीवन में प्रमाद दूर करिए, आपको बड़ी कठिनाई पड़ जाएगी। सुरुचि सुंदर है, बड़ी बड़ी आकर्षक है वो, उसमें सहज में किसी की भी आसक्ति हो जाए। आज बना दिया जाए किसी को भी नवाब तो किसको बुरा लगेगा, पर परिणाम कुछ और आएगा भाई उसका। वो बड़ी आकर्षक है, जो सुरुचि है देखने में बड़ी प्रिय लगती है। और सुनीति सुंदर नहीं है, वो देखने में बड़ी आकर्षक नहीं है, पर आप देखिए वो कैसी है जिसके गर्भ से ध्रुव उत्पन्न हुआ है। वो रोता हुआ बालक पहुंचा मां के पास, एकांत में पड़ी माता, वो वैसे भी तिरस्कृता है, कभी महाराज ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हें तो सदा से सुरुचि प्रिय थी, उसका रूप, उसका यौवन, उसका आकर्षण बांधे रहता था महाराज उत्तानपाद को। एकांत महल के कक्ष में पड़ी सुनीति, सुबकता हुआ, रोता हुआ लिपट गया बालक जाकर मां से, पूछा मां ने क्या हुआ,
बालक इतना रो रहा है कि बता नहीं सकता, अपना कष्ट निवेदन नहीं कर सकता। किसी दासी ने आकर कहा, महारानी आज बालक के साथ ऐसी घटना घटी, ये बैठना चाह रहा था पिता की गोद में और दुत्कार दिया इसे इसकी छोटी माँ ने कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म मेरी कोख से जन्म लेना। बड़ा पीड़ित होकर आया है ये, माँ के नेत्र भी भर आए पर माँ असहाय। लेकिन वो कैसी मां रही होगी? मैं जब कभी इस कथा का विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, तो लगता है कि भाई कैसी मां रही होगी। 5 वर्ष का नन्ना सा फूल सा सुकुमार बालक, राजकुमार, और मां उंगली करके रास्ता दिखाती है कहां कि जा बेटा वन में जा, भगवान की आराधना कर, तुझमें क्षत्रिय तेज है, मैं नहीं चाहूंगी तो इस प्रकार इस पीड़ा से ग्रस्त होकर अपना जीवन व्यर्थ गवा दे, मैं नहीं चाहूंगी कि इस दुख के बोझ तले तो जीवन भर रोता और सुबकता रहे, जा मैं तुझे इस पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्ति का उपाय बताती हूं, जा वन में जा, जाकर भगवान का भजन कर, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं। तत्तिवान लग गई पार ब्रह्म सरना, जा नारायण जिस पर कृपा करते हैं, श्री हरि जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर जन्म में कभी दुख नहीं होता। आज तेरा दुख दूर कर भी दूंगी तो कल कोई और दुख कोई और पीड़ा तुझे पीड़ित करेगी, तुझे फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। वो उस क्षत्राणी मां ने अपने उस नन्हे से क्षत्रिय बालक के उस क्षात्र तेज को जगाया, उस ओज को जगाया। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कथा सिखा रही है भाई दुख आएगा, और ये कोई कलयुग में घटी घटना नहीं है, ये सत्ययुग की घटना है। ये किस युग में घटी? जब सत्य धर्म हुआ करता था, जब सत्य जीव का स्वभाव हुआ करता था, उस समय ऐसी परिस्थिति बालक ध्रुव के सन्मुख आई। महाराजा मनु का वंश, पवित्र कीर्ति, महाराजा उत्तानपाद, ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्मा बालक, उसके साथ ये दुर्दैव हुआ, ये दुर्दिन उसे देखना पड़ा। पर मां सुनीति थी, इसलिए अपने युवा भाई बहनों से फिर कह दूं, भाई आप सौभाग्यशाली हो, आपको भारत देश में जन्म मिला है। यहां पर मां केवल दूध नहीं पिलाती, उसके दूध के साथ कुछ संस्कार जाता है आपके भीतर, संभावना विकसित होती है आपके भीतर की क्षमता विकसित होने की। लोरी सुनाते सुनाते मां यहां रामकृष्ण की कथा सुना देती है। यहां बालक बड़ा होता है संस्कार के साथ, विकार के साथ नहीं, संस्कार के साथ। अभी जयपुर में ही था तो मुझसे किसी ने पूछा, एक नव वर्ष का संदेश दिया था मैंने, तो उसने मुझसे कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि यही नव वर्ष है? तो मैंने कहा आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच तत्व इस समय नवीन कलेवर धारण करते हैं। आप देखिए जाकर बाहर, पृथ्वी पर नए फल हैं, नई नई फसल है, नए फूल हैं, नई बयार बहती है इस समय, सूर्य उत्तरायण होते हैं, नया संवत्सर है, ग्रह नक्षत्र और तारे और तारिकाओं की दशा और उनकी दिशा बदलती है इस समय, नदियों में नवीन जलधारा का प्रवाह हो रहा है, नवरात्र के दिन है। ये हमारा संस्कार है कि हम नए वर्ष में व्रत अनुष्ठान के साथ प्रवेश करते हैं, थोड़े संयम साधन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको ऐसे देश में जन्म मिला है जहां हम संस्कारों के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। सुनीति अर्थात मूर्तिवंत संस्कार। और एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि जब बालक ध्रुव से सुनीति ने ये करुण कथा सुनी तो उसने कहा कि बेटा भजन करने का आदेश सुनीति बाद में देती हैं, पहले सुनीति कहती है बेटा अपनी छोटी माता के प्रति मन में द्वेष ना लाना, अपनी छोटी माता जिसने इतना अपमान किया, क्या क्या दोष था उस नन्हे से बालक का, अरे अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, कितनी ईर्ष्या रही होगी उस सुरुचि के मन में।
कितनी ईर्ष्या, कितनी अग्नि होगी उसके मन में कि उसने नन्हे से फूल से बालक का अपमान करने में भी संकोच नहीं किया। पर सुनीति क्या कहती है, सुनीति क्या सिखाती है बालक ध्रुव को कि बेटा अपनी छोटी माँ के प्रति कोई रोष मन में न लाना, क्योंकि मैं तुझे जो मार्ग देकर देने जा रही हूँ उस मार्ग पर स्वस्थ तन भले ना हो पर स्वस्थ मन अवश्य होना चाहिए। आप भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका तन स्वस्थ ना हो चलेगा पर आपका मन अवश्य स्वस्थ हो। कथा में कोई आपकी जगह पर बैठ जाए, आप ऐसा ना समझना मुझे कुछ खबर नहीं पड़ती, मुझे चारों तरफ से सब सुनने को मिलता है। कभी कभी एक साधक के साथ, एक भावना भावित व्यक्ति के साथ आपका एक कठोर वाक्य दुर्व्यवहार कर देता है। हो सकता है कोई भावुक व्यक्ति आकर कथा में बैठा हो और आपने ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि से उसको देखा क्योंकि उसने आपका स्पर्श कर लिया, वो थोड़ा सा आपके स्थान पर बैठ गया, वो 3 घंटे असहज रहेगा, आप अपराधी हो जाएंगे उसके भाव में बाधक बनने के। आपके जीवन में तितिक्षा नहीं है, आपके जीवन में थोड़ा सा धीरज नहीं है, आपके जीवन में थोड़ा सा संयम नहीं है, कैसे साधेंगे आप स्वयं को। यही संकेत कथा कर रही है और यही संकेत मेरे महाप्रभु करते हैं। उपासना में प्रवेश कैसे किया जाता है, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, दूसरे के प्रति अभाव आपके मन के विश्वास को कमजोर करता है। इसीलिए सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, ये आचार्य के जन्म भर के चिंतन का प्रसाद है जो आचार्य चरण हमको देते। कहां से शुरू करना भाई, माला से नहीं, माला से भजन आरंभ नहीं होता, मंत्र से आरंभ नहीं होता, पूजा और पाठ से भी आरंभ नहीं होता, भजन आरंभ होता है सद्भाव से। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे भूल कर दे कोई भूल होना। संसार बदलने के लिए नहीं आए आप और मैं यहां, पर सुंदर बनाने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे सब लोग भाग जाओगे वन में, फिर संसार को सुंदर कौन बनाएगा, जहां हो वहीं रहो, माध्यम बनिए, प्रकृति की सकारात्मकता निर्मलता पवित्रता आपसे होकर इस संसार को पवित्र करे। यू कैन बी अ चैनल फॉर दिस वर्ल्ड, यू कैन स्प्रेड दैट अल्टीमेट पॉजिटिविटी हियर। अपने जीवन को निर्मल करिए, सुंदर करिए, कांच सा स्वच्छ हो जाए आपका और अंतर मन मुकुर, पार हो सके जिससे उस परम प्रकाश की किरणें इस संसार को थोड़ा प्रकाशित कर दे, थोड़ा आलोकित कर दे। यही संत का जीवन है, यही साधक का जीवन है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पार हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर कोई भूल होना। मन का श्वास कमजोर हो, स्कूल में ये प्रेयर किए, सभी लोग हैं।
किसी का किसी से भावना मन मन बदले की होना हम चले नेक रस्ते भूल कर वे कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे have to be strong from inside and you would have to feed your inner self nutritious yehi is prarthana ka marm hai itni shakti hame dena data kyunki ye kathin nahi ye saral nahi hai main aapse kahun ki bhul jaiye bair virodh aur aap bhul jaye saral nahi hai iske liye kshama karne ke liye bhitar se sabal hona padta hai jo bhitar se samriddh hai भीतर से जो दरिद्र है वो क्रोध करेगा वो बैर करेगा जो भीतर से दरिद्र है जो भीतर से भयभीत है जो भीतर से दुर्बल है अगर मैं कहूं कि जो भीतर से गरीब है वो बैर करेगा वो प्रतिकार करेगा वो क्रोध करेगा वो आघात करेगा वो प्रहार करेगा और जो भीतर से सबल है जो भीतर से समृद्ध है और मैं कहूंगा जो भीतर से स्वस्थ है वो क्षमा करेगा क्यों क्योंकि वो जानता है को न काउ सुख दुख कर दाता अपनी करुणा का जल तू बहारे कर दे पार हर एक मन का खो हम चले नेक रस्ते पे भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना अपनी करुणा का जल कर दे पार हर एक मन का संत के ही बढ़ाए कहां कहां संत भगवान से दो पग आगे निकल जाता है आगे बढ़ जाता है आगे भी शायद मैंने कभी चर्चा की कि जिस घड़ी द्रौपदी ने क्षमा किया भरत वंश को उसी घड़ी श्री कृष्ण ने संकल्प किया अगर द्रौपदी श्राप दे देती फिर द्रौपदी साधारण हो जाती यद्यपि श्राप देना द्रौपदी के सामर्थ्य में था पंच सतियों में द्रौपदी का नाम लिया जाता है महारानी गांधारी ने कहा महाराजा धृतराष्ट्र से कि आप तो भीतर और बाहर से अंधे हैं आप राज सिंहासन पर राजदंड धारण करने योग्य नहीं है भूल कैसे गए आप कि यदि ये सती आपको श्राप दे दे तो सूर्य आपको प्रकाश देना स्वीकार कर दे जल अपनी धारा मोड़ ले कभी आपके राज्य में प्रवेश ना करे दुर्भिक्ष पड़ जाए आपके राज्य में यदि ये सती आपको श्राप दे दे कैसे भूल गए आप कि सती का अपराध आपके कुल को नष्ट कर देगा क्षमा किया द्रौपदी ने और आज जाने क्यों बार बार मेरे स्मरण में आ रही है ये कथा बार बार मेरा मन जाता है उस ओर मित्तल साहब आपको ही सुनवाना पड़ेगा द्रौपदी कि फिर कितना कष्ट कितनी पीड़ा होगी उस मन में
कैसे आप और मैं कल्पना करें। पर घर की बड़ी मां ने कहा कि बेटी इन्हें श्राप ना देना, मैं प्रार्थना करती हूं तुझसे। भीग गई गांधारी के आंखों पे लगी पट्टी अश्रुओं से, लज्जित गांधारी कैसे मुख ऊपर करे। कहना पड़ा दुर्योधन को कि भाभी के वस्त्र हरण की आज्ञा तो दे दी नीच, अब अपनी मां के वस्त्र हरण की आज्ञा भी दे, क्योंकि स्त्री की मर्यादा में भेद नहीं होता। स्त्री स्त्री है, वो माता है, वो जननी है, उसका सम्मान मानव मात्र का कर्तव्य है। स्त्री का सम्मान करते हैं जब आप, तो उपकार नहीं करते, वो कर्तव्य है, वो किया ही जाना चाहिए, वहीं से सृजन होता है। पर द्रौपदी ने क्षमा किया, ये भक्त का गुण है। कुछ इसीलिए मैंने कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया, बाप कुछ ऐसा है जो केवल भक्ति ला सकती है आपके भीतर, कहीं से नहीं आएगा। कुछ ऐसे सद्गुण हैं जो जो आपको देवत्व प्रदान करेंगे, आपको दिव्यता देंगे, जीवन सुंदर बनेगा, वो सद्गुण भक्ति से आएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राण। और भक्ति साधु संग से आएगी। और जिस घड़ी द्रौपदी ने कहा ठीक है क्षमा करती हूं इन्हें, जिस घड़ी द्रौपदी ने क्षमा किया उसी घड़ी प्रभु ने कहा कि अब मैं संकल्प करता हूं कि इस सभा में जो जो तेरे अपमान पर हंसा उनके शवों पर विलाप होगा, जो जो मौन रहा उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा, और जिसने प्रतिकार किया केवल वही बचेगा। जैसे नारी का सम्मान करने आता है वही जीने के योग्य है। पर श्री कृष्ण ने तो जो किया सो किया, पर द्रौपदी ने जो किया उसे देखकर लगता है उमा संत के ही बड़ाई। तभी भगवान कहते हो भगतन के पाछे फिरत हूं, इनकी पदरज काज है, इनकी चरण धूल मुझ पर पड़ती है तो मेरा पतित पावन नाम सार्थक होता है। हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, ये एक गुण ऐसा है जो भगवान स्वयं में नहीं देखते। भगवान तो दंड देते हैं, निग्रह भी करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं, भक्त है जो अनुग्रह करता है। नन्ना सा बालक मां के सन्मुख रोता बिलखता आए अपनी करुण कथा लेकर, पिता का अन्याय, सौतेली मां का डाह, ईर्ष्या कैसे तपा हुआ भीतर बाहर से आया बालक, पर मां पहला संस्कार क्या देती है, क्योंकि मां जन्मना गुरु, मां पहली गुरु है, जन्म से गुरु है। पहला संस्कार मां ने क्या दिया, मां चाहती तो उस बैर का बीज डाल देती, पल्लवित पुष्पित होता उस बालक ध्रुव के हृदय में वो बैर। पर आपको लगता है आज युगों के पश्चात आप और मैं बैठकर चर्चा कर रहे होते उस बालक की? यदि बालक लड़कर जीत जाता अपने छोटे भाई से, परास्त कर देता अपने पिता को, पदच्युत कर देता और बैठ जाता राज सिंहासन पर, आज आप और मैं उसकी गाथा नहीं गा रहे होते, क्योंकि ये यात्रा संस्कार से आरंभ हुई। कहा माने, बोली बेटा जिस मार्ग पर मैं तुझे भेजने जा रही हूं वो मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन उस मार्ग पर कोई भीतर से स्वस्थ व्यक्ति जा सकता है, इसलिए अपनी माँ के प्रति रोष न करना। ये तेरा कर्म है, ये तेरा प्रारब्ध है कि तूने मुझ जैसी मंदहीना के गर्भ से जन्म लिया, ये तेरा नसीब है, भाग्य है तेरा कि तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ। सुरुचि के गर्भ से आता तो तुझे पिता की गोद मिलती। अश्रु पोंछे ध्रुव ने अपनी माँ के, माँ मुझे गर्व है, मुझे गौरव है कि मैं तेरे जैसी माँ के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। और कथा कहीं ना कहीं संकेत करती है। मैंने कहा ध्रुव अर्थात वो बालक, ध्रुव अर्थात अखंड अविचल अनंत अर्थात प्रेम, और प्रेम कभी प्रस्फुटित होता है, प्रेम कभी प्रकाशित होता है तो वो संस्कारों से ही होता है। आप थोड़ा सा नाच लिए, थोड़ा सा रोलिए, थोड़ा सा गालिए, ऐसा नहीं समझना प्रेम हो गया, ऐसा ना समझना प्रेम हो गया, ये तो बड़ा सरल है। एक महात्मा कथा सुनाते थे और एक माता आती थी सुनने के लिए, रोज आती थी, और बाप बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। महात्मा जी बड़े प्रभावित हुए,
प्रसन्न भी हुए कि चलो कोई एक तो श्रोता मिला। अब कथा विश्राम का दिन, सब लोग व्यास जी को प्रणाम करने आए, वो माता भी आई। महात्मा बड़े प्रभावित थे, प्रसन्न भी थे। बोले, माता कि ऐसा भाव तूने कहां से पाया? मैं कथा का आरंभ करता हूं, पोथी खोलता हूं और तू रोना शुरू करती है, रोती रहती है। ये ऐसा दिव्य प्रेम तेरे हृदय में कहां से आया? तो बोले, बस पूछो मत। नहीं बोले, बता, कुछ मुझे भी सुनने को मिले। बोले, महाराज जिस वस्त्र में आप पोथी लपेटते हैं ऐसे ही वस्त्र मेरी बेटी पहनती थी। ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, बस उसकी याद आती है और रोती। अरे, महात्मा ने सर पर हाथ लगाया। मैं तो सोचता था कथा, भगवत भाव, भगवत प्रेम। और बोली, महाराज जी जो पोथी लपेटते हैं ना आप, जिसका बस ऐसा ही वस्त्र पहनती थी मेरी, बस वो आप पोथी खोलते हैं मुझे अपनी बेटी की याद आती है। बड़ी प्यारी थी, ससुराल चली गई। तो क्या कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं। और एक और बात मैं आपको निवेदन करता चलूं, जो भावना संस्कार के गर्भ से जन्म नहीं लेती वो भटक जाती है। प्रेम करने के लिए बहुत परिष्कृत भाव की आवश्यकता है। प्रेम का स्पर्श करने के लिए सेवक जी महाराज कह रहे, ऐसी भक्ति करे बहु का जन्म जन्म, जन्म जन्म का साधु संग, जन्म जन्म का पुंज, पुण्य पुंजीभूत होता है, तब हृदय में प्रेम का भाव स्पर्श करता है। नाच लेना, रो लेना, गा लेना दूसरी बात है, पर मेरी समझ से प्रेम कुछ और होता है भाई। मेरी समझ से प्रेम घबराता है प्रदर्शन से। मेरी समझ से प्रेम को भय लगता है कि किसी को खबर ना पड़ जाए, किसी को खबर ना पड़ जाए। मेरी समझ से प्रेम को भय लगता है इस बात से। और शायद यही कारण रहा होगा कि इसी श्रीमद् भागवत में एक भी गोपी का नाम सुखदेव जी महाराज के मुख से प्रकट नहीं हुआ। आज्ञा नहीं होगी सुखदेव जी महाराज को कि आप किसी भी गोपी का नाम प्रकट करें। प्रेमी स्वयं को प्रकट करना ही नहीं चाहता, वो तो कहीं अपने प्रियतम के चरण कमलों की ओट में छिपा छिपा रहना चाहता है, क्योंकि संसार की वायु स्पर्श होती है। और जैसे उड़त कपूर, ऐसे सुवास उड़ जाती है प्रेम की। और फिर कबीर तो कहते हैं, जो तेरे मन में भाव है तो कह कह ना जनाब, अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। क्षमा, तितिक्षा, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामान कीर्तनीय सदा हरि। भजन से पूर्व तृणादपि सुनीचे, तृण ते नीच अपन पो कहे, तरोरपि सहिष्णुना, तरुसम सहनशीलता होए, अमानी नामान दे कीर्तनीय सदा हरि। जो सम्मान के योग्य है उसको तो सम्मान दिया जाए, पर जो सम्मान के योग्य नहीं है भक्त, उसे भी सम्मान देता। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, तब वो भगवत भजन के योग्य है। इसीलिए माँ ने कहा, बेटा अब जिस मार्ग पर तुझे भेज रही हूं, बड़ा कठिन, बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग है, सबल होकर जाना, और तन से नहीं मन से सबल होकर जाना, स्वस्थ होकर जाना, बाहर से नहीं भीतर से स्वस्थ होकर जाना। क्षमा आपके भीतर को, आपके अंतःकरण को स्वस्थ करती है। आप देखो आपके मन में चिंता भय, आपके मन में कितना मैल इकट्ठा हो जाता है केवल विचारों से। जब आप विचार करते कि अमुक व्यक्ति ने कष्ट दिया, अमुक व्यक्ति पीड़ा का कारण बना, बड़े अस्वस्थ हो जाते हैं आप, आपके मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, दुर्बल पड़ जाते हैं आप भीतर से, आपके संकल्प दुर्बल हो जाते हैं। तो मां ने कहा, बेटा स्वस्थ होकर जाना, और मन में ये विश्वास रखकर
और मैं तो कहता हूं उस मां के भीतर संस्कारों का कैसा बल होगा। कौन मां है? मुझे लगता है आज से 7-8-10 बरस पहले दिल्ली में शायद कई कथा हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कथा में, मैंने कोई माता ऐसी है जो चाहती हो कि मेरा बालक साधु हो जाए? और बड़ी भीड़, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुझे बालक साथ नहीं लेके जाना था, मैं तो केवल उस माता को प्रणाम करना चाहता था, केवल ये जानना चाहता था कि कोई माता ऐसी है जो चाहती हो कि मेरा बालक साधु हो जाए, मेरा बालक सतपथ पर चले। और भाई मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हजारों लोग मिले, हजारों माता पिता मिले, लेकर आए अपने बालकों को कि महाराज आशीर्वाद दे दो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और मैं मन ही मन हंस देता हूं, मेरे आशीर्वाद से बंदा तो मैं ही बन जाता, मेरा तो खुद ही हिसाब किताब बड़ा कमजोर था। खैर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बुद्धिमान बने सफल हो जाए, पर उंगली पर गिनू तो उंगली के पोर अधिक हैं कि कोई मां कोई कोई पिता ये कहकर लाया हो अपने बालक को कि महाराज कृपा करिए इसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, देखने को भी नहीं मिलता। और वो कैसी मां रही होगी? तो सबसे पहले तो आप सब लोगों के साथ मिलकर उस माता सुनीति के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा जिसने कहा कि बेटा संसार की इस पीड़ा को अपना बल बनाना, अपना सामर्थ्य बनाना, जा निकल जा उस मार्ग पर जहां कोई नहीं जाता, जहां कोई बिरला सूर जाता है। कबीर कहता है, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल को, ततिवाओ न लगई पार ब्रह्म सरना, चौं गिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, ततिवाओ न लगई पार ब्रह्म सरना। माँ का संस्कार, माँ का संकेत पाया बालक ध्रुव ने, और आज उसी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का ये भाव श्रीयुगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। इसी भाव के साथ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।